एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दमोह जिले के कुंडलपुर जा रहा एक जैन परिवार हादसे का शिकार हुआ है। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मारुति वैन में सवार करीब 7 लोगों में से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों अक्षय जैन और सोनल जैन पति पत्नी हैं, जिनकी हादसे में जान गई है। इस हादसे में एक बुज़ुर्ग और 2 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के चौक बाज़ार स्थित मंदिर के पास इन लोगों का निवास था। ये लोग कुंडलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान दमोह सागर स्टेट हाईवे पर यह हादसा सामने आया है। दुखद घटनाक्रम की जानकारी परिजनों एवं पुलिस के द्वारा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। भैया क्या नाम है आपका? पवन जैन। एक मिनट, क्या नाम है? पवन जैन। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? कुंडलपुर जा रहे थे। कहाँ से कुंडलपुर जा रहे थे? भोपाल से। कितने लोग थे? मैं हूँ शंकराचार्य नगर स्टेशन के पास। कितने लोग थे आप लोग, कैसे थे, क्या हुआ है? हम दो अंकल, एक अंकल, 2 बच्चे, दोनों मियां बीवी है, एक भैया और है, नहीं आए वो भी। और मैं, क्या हो गया? सामने में चला रहा था गाड़ी 60-70 की स्पीड से, जो है वो एक्चुअल बता रही हूँ, 60-70 की स्पीड से सामने से गाड़ी में साइड से गाड़ी बाइक वाला जा रहा था, इधर से गाड़ी आ रही तो बाइक वाले को बचाने के चक्कर में ऐसे करके मैं एकदम ऐसी घुमाई तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई और पलट गई। किसी से टक्कर हुई है या कुछ से पलटी? टक्कर तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, वो गाड़ी पलटी तो मैं तो समझ नहीं। क्या नाम है इनके? सोनल जैन। सोनल जैन। और आंटी का? आंटी का सोनल जैन। और अंकल का? अक्षय। अक्षय। इनकी मौत हो गई। अब तो क्या नाम है? पवन जैन। आप इनके परिवार से? रिलेटेड। गाड़ी आप चलाए थे? हाँ। अभी अभी इस प्रकार की घटना जो है वो गड़ा कोटा से दमोह आने वाले मार्ग पर चौकी सागर नाका एरिया में एक ओमनी और बस की टक्कर होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना घटना हुई है जिस पर जो है एक जैन परिवार जो भोपाल से कुंडलपुर जा रहे थे, उस ओमनी में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें अक्षय और उनकी पत्नी धर्मपत्नी सोनल जैन जो है इस दुर्घटना में मृत घोषित किया गया है, और इनके बच्चे अर्णव और अनन्या जो इंजर्ड हैं बट अभी सेफ हैं। एक इनके नाना जी भी थे, वो भी इंजर्ड हैं बट अभी सेफ हैं, और इनके बुआ का लड़का जो है शशांक जैन के रूप में जिसने ये सभी की डिटेल्स दी है, वो भी इंजर्ड है लेकिन सेफ है। तो उसमें पूरी घटना में जो है घटना दुर्घट थी, और जिसमें 2 पति पत्नी की जो है घटना हुई है, और उसमें जो है जाँच की जा रही है और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हादसे का क्या कारण समझ रहे हैं? हादसे के कारण का पता लगाया जाएगा कि क्या गाड़ी इन बैलेंस खराब होने से या फिर आगे या पीछे से किसी प्रकार की